रजत दलाल और विवेन डिसिना के बीच में हो गया है बड़ा झगड़ा। जी हाँ, विवेन ने अड़ाई है बीच में रजत और श्रुतिका के बीच में टांग, लेकिन रजत ने इसी तरीके से पेल दिया है विवेन डिसिना को। दोस्तों, बिग बॉस की लाइव फीड में जहाँ पर रजत और श्रुतिका कह रहे थे मैं खाना खा रहा था, तब इसको बात करे तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन साहद जब खाना खाने लगी तो कह रहा कि चाहती खाना क्यों खा रही है और किसको पूछ कर खाना खा रही है, इस तरीके का भाई बात करे तो बातें करने लग गया था। उसके बाद भाई विवेन कहता है जो तूने खाना दिया है वो पता है, इस तरीके से झूठी बातें मत कर। जहाँ पर रजत दलाल कहते हैं हम तेरी बात नहीं कर थे और हम और चुरती का बात कर रहे थे और तू क्यों बीच में आ रहा है, और तेरे जैसे 36 आते हैं और तूने कहा था चुने को, अब ले चूला, जो करना कर ले, तेरे जैसे डिसिना मेरे सामने नाचते हैं, चुन ले। जहाँ पर रुवेन कहते हैं वहाँ तक छोड़ कर आऊँगा तुझे दरवाजे तक, औकात में रहना अपनी। जहाँ पर रजत कहते हैं तेरे जैसे मोर नाचते हैं पंख फैला कर, वैसे तू नाचेगा, लड़कियों पर चौड़ा हो रहा है कमजोर आदमी बात करे तो, तुझे लगता है ना बात करे तो दम है, तो मेरे सामने आकर लड़ क्या, लड़कियों पर बात करे तो हरास करने की और लड़कियों पर चढ़ने की कोशिश कराएं। जहाँ विवेन कहता है मारने पीटने के अलावा तो तू कर भी कुछ भी नहीं सकता। जहाँ पर रजत कहता है तू फट्टू है और क्यों भागता है, जो तेने 10 साल तक नहीं है ना इज्जत, वो सारी इज्जत और अकड़ तेरी उतार कर जाऊँगा यहाँ से, जाऊँगा भी तो। जहाँ विवेन कहते तू यहाँ कर भी क्या पाएगा, और जहाँ पर रजत कहते तेरे बाप के घर आया हूँ क्या। जहाँ विवेन कहते तू यहाँ पर क्यों आया है, जहाँ रजत कहते कि तेरे बाप के घर पर आया हूँ क्या, बिग बॉस ने बुलाया इसलिए आया हूँ, और तेरे लिए बात कर नहीं आया हूँ, तेरी वजह से नहीं आया हूँ, और ये घर तेरा नहीं है, और बिग बॉस कहेंगे तब मैं चला जाऊंगा, बिग बॉस ने बुलाया इसलिए मैं आया हूँ, और बिना फालतू का ज़्यादा बोल मत वरना मेरा दिमाग सट गया ना घर से बाहर होता तो यही दुआ करता, बर्तन चाप करवाता तेरे को। उसके बाद विवेन कहता है मुंह से बात करना गाली क्यों देता है, रजत कहता है मैं तो अपने हिसाब से ही बात कर रहा हूँ और मुँह से ही बात कर रहा हूँ, पता नहीं तेरी आवाज़ कहाँ कहाँ से निकलती होगी, तू नीचे से बात करता होगा, मैं तो अपने मुँह से ही बात करता हूँ। जहाँ पर भाई बात करे विवेन कहते हैं जब जेल में गया था बात करे तो, जब जेल में गया था भाई बात करे तो खाना क्यों नहीं दिया था। जहाँ पर रजत कहते हैं खाना दिया था, किसी को भूखा नहीं मारा था, और आपको भाई बात करे तो जेल में बात करे तो हमको क्यों डाला था, वैसी खाना फिर भी दिया था, अविनाश की तरह तो नहीं था कि भाई खाना भी नहीं दिया। इसके बाद श्रुति का कहती है यदि जेल में डाला तो हम अपने हिसाब से खाना देंगे ना, तो अविनाश ने बात करे तो भूखा मारा तब तो कुछ नहीं बोला, बेवकूफ़ इंसान। उसके बाद रजत कहले मैंने बेसिक सबको दिया, अविनाश कहते हैं भाई अपने भेदभाव क्यों किया था, फिर रजत कहले मैंने बेसिक सबको दिया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया मिश्रा जी, और तुम भी इसमें मत आओ हमारी बातों में। जी इस तरीके की बातें बिग बॉस के लाइव फीड में हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पर शाद कहती है इनको तो बीच में आदत है बोलने की, रजत छोड़ो बिना फालतू का फुटेज ले रहे। जहाँ पर भाई विवेक ने कह दिया जूनियर आर्टिस्ट तुम चुप हो जा, तेरी औकात नहीं अब यहाँ पर बोलने की। जहाँ पर शाद कहती है तुम लोग बड़े लोग अब हमें बताओगे कि जूनियर आर्टिस्ट हो ये हो, बात करें तो जेल में बात करें तो जब अविनाश बाहर निकला था चाय लेकर तब कुछ नहीं बोला था तुमने, फट्टू कहीं का बेवकूफ़ चला, यहाँ आकर जो कर तूने घटिया फैसला किया है ना 8 साल के मना करा था, सही था उसी के लायक था, और यहाँ पर तू आया ना जो लड़कियों को बदतमीज़ घटिया और बात करें तो इस तरीके के जोर देकर और बात करें तो उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, कुत्ते कमीने जो तूने हरकतें की ना बाहर जाकर 10 साल का पूरा करियर तेरा बर्बाद हो जाएगा। जहाँ पर विवेन कहते हैं ट्रॉफी उठाऊंगा तभी यही भाषण दे देना मुझे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।